हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो जो टॉपिक है आज इट इज फॉर क्लास 12, द चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज अपेरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। अपेरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट जो है ये आपका एप्लीकेशन और रिफ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इस पे कंपटीशन में खूब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और बाकी बहुत सारे एप्लीकेशन और भी हैं रिफ्रैक्शन के जो थ्योरेटिकल हैं, उन पे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, उनको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। जो पहला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन वो है अपेरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। आपने ऑब्जर्व किया होगा किसी बर्तन में पानी भरा हो और उस बर्तन को आप देखो तो जो उसका बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, हमें लगता है थोड़ा सा कम गहरा है पानी, है ना। जो रियल गहराई है पानी की वो हमें कभी भी नहीं दिखती, थोड़ी सी कम दिखती है उससे, हमेशा ऐसा ही होता है। आप किसी ग्लास में क्वाइन डाल दो जिसमें पानी भरा हो तो क्वाइन आपको हल्का सा ऊपर दिखता है, जो बॉटम है ग्लास का वो आपको हल्का सा ऊपर दिखता है। ऐसा क्यों होता है और ये कितना ऊपर आएगा या हमें उसकी गहराई कितनी समझ में आएगी जो रियल गहराई है उससे, इसके लिए आज हम सारे डेरिवेशन इसमें करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, मान लीजिए आपके पास यहां पर एक बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में क्या है, पानी भरा हुआ है, और इसका जो बॉटम है वो कितना ऊपर उठेगा, या इसमें अगर बॉटम में से कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो वो कितना ऊपर उठ जाएगी, ये हमें यहां पर समझना है। तो हेडिंग आप डाल दें एक बार, जो भी हेडिंग पड़ी हुई है तो इस हेडिंग को मैं मिटा देता हूं। अपेरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट है आपका टॉपिक। चलिए देखते हैं क्यों आखिर ऐसा होता है कि जो बॉटम है वो हमें ऊपर दिखता है, और ऊपर दिखता है तो कितना ऊपर दिखता है ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके पास यहां पर क्या एक ऑब्जेक्ट है, ये क्वाइन है कोई, ये जो भी चीज है इसको नाम दे देते हैं हम ऑब्जेक्ट ओ। इससे देखिए अब इसके ऊपर क्या है, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। इसके ऊपर जो है मीडियम है म्यू वन, और इसके नीचे जो है मीडियम उसको मान लिया मैंने म्यू टू। हम अपने डेरिवेशंस में मोस्टली म्यू टू जो होगा उसको डेंसर मानेंगे, आपको ध्यान रखना है म्यूटू जो होगा वो हमेशा डेंसर लेंगे हम अपने डेरिवेशन से, ताकि फॉर्मूले याद करने में हमें दिक्कत ना हो। यहां पर जो म्यूटू है वो क्या है भाई, म्यू वन से बड़ा है एंड लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये फर्स्ट केस है अपेरेंट डेप्थ का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला केस है भाई, फिर इसमें एक ऑब्जेक्ट ओ है जिससे लाइट की रे मतलब डेंसर मीडियम से एयर में जाएंगे और एयर से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो एक लाइट की रे तो हम लेंगे बिल्कुल सीधी, परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस। अब आपको पता होना चाहिए जब भी कोई लाइट की, ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है, इसके ऊपर का मीडियम अलग है, इसके नीचे का मीडियम अलग है। जब भी कोई लाइट किरे किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो सीधी निकल जाती है, उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। स्नेल्स लॉ से आप देख सकते हो बहुत इजीली ये बात, ये इंसिडेंट पॉइंट था जहां पर टकराई थी लाइट किरे, क्लियर होगी बात। क्यों, हम जानते हैं म्यू टू साइन आई अपॉन में साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो अगर साइन आई आपका जीरो है, क्योंकि नॉर्मल यहां पर जो नॉर्मल आएगा वो भी ऐसा आएगा और इंसिडेंट रे भी आपके ऐसे, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे आपस में जीरो का एंगल बनाएंगे तो साइन आर भी क्या आ जाएगा, सिमिलरली जीरो आ जाएगा, क्योंकि म्यूटर म्यून तो कांस्टेंट रहेंगे, साइन आई जीरो तो साइन आर भी जीरो हो जाएगा सिमिलरली। अब एक लाइट के लिए आपको थोड़ी तिरछी लेनी है इस तरह से, यहां पर इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं पी या एम रख लेते हैं ना, ये आपका क्या है इंसिडेंट पॉइंट है। दूसरा यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे तुरंत, ये हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल। अब जो यहां एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इसके बाद चूंकि लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो थोड़ा सा ये दूर हट जाएगी, इसको भी मैं ब्लैक से बना देता हूं ताकि अलग अलग लाइट की रेस को आपको अलग अलग कलर से देखें, समझ में आ जाएगा तुरंत। ये कौन सी रे है रिफ्रैक्टेड, ये कौन सी थी भाई इंसिडेंट। ऐसे अब क्या होगा भाई, जा तो इस तरफ रही है, हल्का सा दूर हटेगी ऐसे हो जाएगी लाइट की, ठीक है भाई, हल्का सा दूर हट जाएगी, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाता हूं
ठीक है। अब देखिए होगा क्या, अगर यहां पर कोई आई आप इस चीज को देख रही है तो आई में लाइट की रेस जाएंगी दोनों, ठीक है। इस आई में जब ये दोनों लाइट की रेस जाएंगी, आई का विजन काफी बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि आई में मतलब ये रेस जाने सकते हैं, अगर ऐसे जाने तो आई का विजन काफी बड़ा होता है, दोनों रेस को देख पाएगी आई, तो क्या करेगी आई को क्या लगेगा कि ये जो रेस है ये कहां से निकल रही है, इस जगह से निकल कर आ रही है, मतलब इस जगह से निकल कर आ रही है, इसको पीछे बनाने, क्योंकि आगे तो इमेज बन नहीं रही, तो वर्चुअल इमेज दिखेगी आई को, ये ऑब्जेक्ट यहां पर दिखेगा पानी के अंदर जहां पर उसकी इमेज बन रही है, ठीक है भाई। आई के साथ एक प्रॉब्लम होती है, ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा इल्यूजन होते हैं आई के साथ, होता कहीं ऑब्जेक्ट दिखता कहीं है आई को, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल सीधी पीछे मिलाना आप लोग, मेरी थोड़ी तिरछी हो गई हो तो आप भैया सीधी पीछे मिला लेना, मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है। ये एंगल अगर आर है तो भाई यहां पर क्या बनेगा, आर करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है भाई। ये अगर आई है तो यहां एंगल क्या बन जाएगा भाई आपके पास, यहां जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा आई, क्यों अल्टरनेट एंगल, इसका नाम रख लेते हैं इमेज है तो आई, इसका नाम रख लेते हैं एन, ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं, एक तो आप देखें बाई स्नेल्स लॉ, एट पॉइंट एम, जो पॉइंट एम आपको दिख रहा है यहां पर आप स्नेल्स का लॉ लगा दोगे। अब स्नेल्स का लॉ क्या होता है आपको पता ही है, देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मल्टीप्लाई जो एंगल आपको दिखेगा आई हो चाहे आर हो, यहां पर आपका म्यू टू मल्टीप्लाई साइन के अंदर वो एंगल लेना होता है साइन आई, ऐसे इज इक्वल टू म्यू वन मल्टीप्लाई साइन आर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो साइन आई अपॉन में साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा भैया, म्यू वन बाई म्यू टू के इक्वल, ठीक है, म्यू टू मैंने इधर माना है, ध्यान रहे आपके बात। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, ये अपने काम आएगी। अब देखिए आप ध्यान से, आपको एक ट्राइंगल दिखेगा, ट्राइंगल का नाम मैं बोल रहा हूं एन एम ओ, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा आपके पास एम एन ओ, एम एन ओ। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो साइन आई दिखेगा, तो भैया साइन आई किसके इक्वल दिखेगा, ये हो गया बेस, दिया आएगा एक तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये हो जाएगा आपके पास एन एम अपॉन में एम ओ, भाई क्या हो जाएगा आपके पास एन एम अपॉन में एम ओ, क्लियर होगी बात। और देखिए इन ट्राइंगल अगर हम बात करते हैं एन एम आई की, एन एम आई ट्राइंगल दिखा छोटा सा ये, इस ट्राइंगल में अगर आप साइन आर निकालते हो तो वो आपको दिखेगा एन एम अपॉन में एम आई, एन एम अपॉन में एन आई, पुटिंग इन फर्स्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं भाई पुटिंग इन फर्स्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो पुटिंग इन फर्स्ट करने पर क्या होगा आप ध्यान से देखो, ठीक है जगह है इधर आराम से लिख सकते हैं, तो पुटिंग इन फर्स्ट यहां पर पुट करते हैं इस जगह पे, तो साइन आई की वैल्यू आपको दिख रही है एन एम अपॉन में एमओ होल डिवाइड में एन एम अपॉन में एम आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू, म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये तो हम मान लेंगे जो है आपकी डेप्थ, यहां पर जो ऑब्जेक्ट की डेप्थ है वो देख लेते हैं क्या है। जैसे मैंने मान लिया आपका, मान लीजिए एच ओ, ठीक है एच ओ, ये रियल डेप्थ ऑफ, मतलब यहां से देखने पर जो हमें दिख रही है डेप्थ वो क्या है, डी ओ लिख दो आपकी मर्जी, जैसे आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कौन वो वेरिएबल तो मानना है। और जो इमेज की डेप्थ है इसको हम मान लेते हैं ये अपेरेंट डेप्थ है, ये डी आर से लिखते हैं ना रियल डेप्थ, और ये हो गया आपके पास अपेरेंट डेप्थ डी ए। अपेरेंट डेप्थ का मतलब जहां पर हमें इमेज दिखती है वही तो हमको, जो हमें दिख रहा है वो अपेरेंट, जो रियल है वो ये है, हमें तो ऑब्जेक्ट यहां पर दिख रहा है इसकी बजाय जहां पर इमेज बनेगी वही हमको लगेगा ऑब्जेक्ट है हमारा, हमें तो ये लगता है जो राइट की रेज निकल कर आई थी वे इस पॉइंट से निकल रही है,
हमारी आंख को ये इमेज दिखाई देती है, मतलब यही ऑब्जेक्ट है आपके लिए, उसके पास जो रेस जाएंगे वो उसको ऑब्जेक्ट समझेगा। तो आंख को ये ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई देती है, ये हो अपेरेंट डेप्थ, ये थी उसकी रियल डेप्थ। ठीक है भाई, तो एनएम से एनएम कट गए, यहां पर आ गया आपके पास एम आई अपॉन में एम ओ इज इक्वल टू आ गया म्यू वन बाई म्यू टू। ना मैंने कहा था यहां पर जितनी भी चीजें हैं सब कंडीशनल है, आपको कुछ ना कुछ कंडीशन लगानी पड़ती है, स्मॉल एपर्चर लेना पड़ता है कई जगह पे, मोस्टली डिवाइसेस आपको स्मॉल लेनी है। यहां पर भी आपकी एक शर्त होगी, अगर इमेजिन करो आप जो देख रहे हो इसको बिल्कुल यहां से देख रहे हो, इस जगह से अगर आप इस तरह से ऑब्जर्व करो उसको बिल्कुल उसके वर्टिकली अगर यहां से देखा जाए इस जगह से, तो ये जो राइट की रेस है ये आपकी वजह से दूर चली जाएगी। तो आपको अगर ना वो राइट की रेस लेनी है जो बहुत क्लोज है इस पॉइंट के, मतलब ये राइट की रेस आपको यहां पे लेनी है, अगर इसको बिल्कुल नॉर्मली देखा जाए जस्ट इसके ऊपर से, तो जो हमारी ये वाली राइट की रेस है इसको हमें बहुत पास यहां कहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां कहीं लेना पड़ेगा अगर आप यहां से देखते हो तो अगर ये पॉइंट एम जो है एन के बहुत क्लोज आ जाएगा तो उस कंडीशन में जो एम ओ है लगभग लगभग एनओ के इक्वल आ जाएगा, और जो एम आई है वो लगभग लगभग एन आई के इक्वल आ जाएगा। अगर हम बिल्कुल यहां से खड़े होकर देखते हैं इस जगह से, ये राइट क्रेज हमारे काम के नहीं, इसको हमें यहां पे नहीं लेके आना पड़ेगा, वही राइट क्रेज हमारे यहां तक पहुंचेंगे बहुत क्लोज होंगे एन के, है ना, जो पॉइंट एम है तब एन के बहुत क्लोज आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो हम सिर्फ उन रेज की बात करते हैं जो नॉर्मल जो रेज है उसके बहुत पास की है। When object is seen just vertically above, ऑब्जेक्ट है ना, या फिर फॉर रेज नियर टू नॉर्मल रे, ऐसे भी आप समझ सकते हो, मतलब जब एम आपका एन के बहुत क्लोज होगा। इन दिस केस एम लाइज नियर टू पॉइंट एम, ध्यान रखना मैं कह रहा हूं जस्ट इसके ऊपर से देखा जाए, आंख बिल्कुल यहीं पर हो आपकी इस तरह से, है ना, तो उस केस में जो एम है यहां कहीं लेना पड़ेगा आपको बिल्कुल इसके पास में, तो उस केस में क्या हुआ आई और आर दोनों स्मॉल हो जाएंगे, है ना। इन दिस केस जो आपका एमओ है ये लगभग लगभग किससे इक्वल हो जाएगा एनओ के, और जो एम आई है ये लगभग लगभग किससे इक्वल हो जाएगा भैया एन आई के, लगभग होगा बिल्कुल एक्जैक्टली नहीं, अगर ये एम बहुत क्लोज इसके आ जाएगा तो फिर दोनों डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे, ये आपका बहुत कम हो जाएगा, जो एम एन था वो बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास थी देखो आपके पास जो इक्वेशन थी एम आई अपॉन में एम ओ, तो एम आई के प्लेस पे आ जाएगा एन आई और अपॉन में आ जाएगा एन ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया म्यू वन बाई म्यू टू। तो एन आई क्या था आपका, एन आई था अपेरेंट डेप्थ, तो डी ए अपॉन में रियल डेप्थ डी आर इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू वन बाई म्यू टू। यहां से हम बोल सकते हैं अपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा म्यू वन अपॉन में म्यू टू मल्टीप्लाई रियल डेप्थ। ठीक है भाई, ये आपके पास फॉर्मूला है अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू मल्टीप्लाई रियल डेप्थ। रियल डेप्थ से यहां पर कम होगी क्योंकि मीवन छोटा है म्यूटू से, तो जाहिर सी बात है जो रियल अपेरेंट डेप्थ आएगी रियल डेप्थ से कम आने वाली है। अब देखिए इनके जो बीच का गैप है ये है ना, इसको मान लेते हैं वाई, क्या मान लेते हैं भाई वाई, ये आपका नॉर्मल शिफ्ट है। अरे क्या है भाई आपका नॉर्मल शिफ्ट,
ना हो, यानी ऑब्जेक्ट कितना ऊपर उड़ गई है, ऑब्जेक्ट अब कितना ऊपर दिख रही है उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। आपको ऑब्जेक्ट कितना ऊपर दिख रही है, कितना ऊपर उठ रही है, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। y इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, पूरी डेप्थ डी आर माइनस डी ए। अब अगर हम डी ए की वैल्यू पुट कर दें तो डी ए की वैल्यू आपको दिख रही थी म्यू वन बाई म्यू टू मल्टीप्लाई डी आर, यहां से आएगा वन माइनस म्यू वन बाई म्यू टू मल्टीप्लाई डी आर, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। डी आर आपकी रियल डेप्थ है, ये आपकी एपरेंट डेप्थ है, ये क्या है एपरेंट डेप्थ, और भैया ये क्या है आपके पास वाई है, इस वाई को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट एनएस, एनएस का मतलब नॉर्मल शिफ्ट। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूले जो मैंने आपको अभी बता दिया, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, ठीक है भाई। अब इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका आप सुन लो ध्यान से, आपको डेरिवेशन नहीं करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे याद रखना है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, समझ आ गई बात। अब आपको ये कैसे याद रखना है जो मैं बता रहा हूं कि फॉर्मूला याद कैसे रखना है, हमेशा याद रखो जब आप एपरेंट डेप्थ निकालोगे, चाहे तो लाइट की रे डेंसर से रेयर में जाती हो चाहे रेयर से डेंसर में जाती हो, आपको करना क्या है, देखिए फॉर्मूला आपको याद कैसे रखना है, ट्रिक टू आप डिराइव मत करना, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको याद कैसे करना है वो देखो, ट्रिक सीख लो एक बार। एपरेंट डेप्थ जो होती है जिसको हम बोलते हैं डी ए, ये इज इक्वल टू होती है, यहां पर लिखना है आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रेक्टेड लाइट लाइज, नीचे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच इंसिडेंट रे लाइज, ठीक है भाई। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका आपसे इस की जरूरत नहीं रही, हटा दो उसको, पूरी बात हमने कर ली इसके बारे में, मल्टीप्लाई रियल डेप्थ जिसको हम बोलते हैं डी आर। तो डी इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रेक्टेड लाइट लाइज, तो रिफ्रेक्टेड लाइट जिसमें होगी उसको ऊपर लिखना है, जिसमें इंसिडेंट लाइट की रे होगी उसको नीचे लिखना है, यानी जिस मीडियम से लाइट आती है वो नीचे लिखना है, जिसमें जाती है वो ऊपर लिखना है, जिसमें लाइट रिफ्रेक्शन के बाद जाएगी वो ऊपर, जिसमें से आ रही है रिफ्रेक्शन से पहले वो नीचे लिखना है। आपको हमेशा ऐसा ही करना है, हमेशा आपको ऐसा ही करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया पहला केस। अब हम बात करते हैं एपरेंट शिफ्ट और एपरेंट डेप्थ की दूसरे केस। तो पहला वाला फॉर्मूला आपको समझ भी आ गया, मतलब जब आप ऊपर से पानी में कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, और हो सकता है पानी में से कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो भी हवा में है, जो मतलब एरोप्लेन को फिश देख रही है, आप इस तरह समझ सकते हो, पानी में कोई डाइवर है, कोई गोताखोर है जो ऊपर एरोप्लेन। चलिए तो भाई इसकी इमेज बना लेते हैं, जब आपकी लाइट जो है फ्रॉम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो किस तरह से आपको फिगर यहां पर बनेगा वो देख लो। इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट हूं, कोई डेरिवेशन नहीं करूंगा उसका, डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा आपको, जो मैंने ट्रिक बताई उसी से फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। मान लीजिए ये वाटर है और इसके ऊपर तो एयर है, वाटर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो आपको मान लेना है क्या, म्यू टू। वाटर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम म्यू टू बोल देंगे और एयर को हम बोलेंगे म्यू वन, और जाहिर सी बात है म्यू टू जो है वो आपका बड़ा है म्यू वन से, इसलिए लाइट, अब लाइट ऊपर से आएगी, मतलब आपकी जो आई है वो यहां कहीं होगी, यहां से आपको देखना ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट यहां किसी पर्सन को जो पानी के अंदर उसे कितना ऊपर देखेगी। मान लीजिए पानी में कोई फिश है वो एरोप्लेन को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, आपको कोई आदमी है जो स्विम कर रहा था, डाइव लगा रखी है उसने पानी के अंदर, वो देखता है ऊपर के एरोप्लेन को जो उससे गुजर रहा है इसके ऊपर से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एरोप्लेन टाइप है कुछ, इसी को मान लो आप एरोप्लेन टाइप दिख रहा है, ठीक है, हल्का सा।
ये इसके ऊपर से गुजर रहा है और यहाँ पर आपकी आई है जो इसको देखना चाहती है। तो लाइट की वजह इधर से आएंगी ऐसे। ये इंसिडेंट रे जो मैंने रेड कलर की बनाई है, और एक और इंसिडेंट लोगे आप इस तरफ रे, ये भी आपकी इंसिडेंट रे है। ये भी क्या है भाई, आपकी इंसिडेंट रे है इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर तो 90 के एंगल पर आई है इसलिए सीधी निकल जाएगी, इसमें कोई भी रिफ्रेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल इसमें पाथ चेंज नहीं होगा, सीधी निकल आएगी। रिफ्रेक्शन तो होगा पर पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर क्या होगा, आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने, क्योंकि इस सर्फेस से ऊपर म्यू वन है, इसके नीचे म्यू टू, यहां पर आप एंगल मान लोगे आई, क्या मान लोगे भाई आई। और अब क्या करोगे, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट की रे आ रही है तो हल्का सा बेंड हो जाएगी, वो जाके इधर रही है देखो इस तरफ जा रही है, हल्का से बेंड हो जाएगी इस तरफ, किस तरफ नॉर्मल की तरफ। रिफ्रेक्शन के बाद अगर रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट की जाना चाहती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है। अब अगर कोई आई होती मान लीजिए यहां पर, इसमें दोनों लाइट की रेस जाएंगी, ये आई है देख रही है इस ऑब्जेक्ट को, तो उसे कहां दिखेगी ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहीं ऊपर दिखाई देगी हमें, इसको पीछे बढ़ा दिया मैंने इस तरह से, ठीक है। ये इसकी सीध में लेना आप हल्का सा, ना मेरे पास स्केल नहीं है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है फिगर, आप बिल्कुल एग्जैक्टली बनाओगे जैसा कि वो दिख रहा है इस तरह से। तो इसको पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे बढ़ाया, मैं जो वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको इसको भी पीछे बढ़ा दिया, इस तरह। तो आपको इस एरोप्लेन की इमेज यहां भी दिखाई देगी ऐसी, वो इमेज है आई और ये है आपका ऑब्जेक्ट ओ। कलर वही रहेगा, मैंने अलग से बना दिया, रेड को ब्लू में समझ लेना, कलर तो सेम ही रहता है, ठीक है भाई, कलर में कोई चेंज नहीं आता ऑब्जेक्ट इस तरह से। तो अब की बार हमें जो ऑब्जेक्ट इमेज है, ऑब्जेक्ट की मतलब इस आई को, ये ऑब्जेक्ट और ऊपर दिखाई देती है, और ऊपर दिखाई देती है इस बार आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखूंगा, आप देख लेना कैसे मैंने जैसे बताई थी वैसे लिखूंगा। ये आपकी होगी रियल डेप्थ, ये रियल हाइट बोल देते हैं इस बार, इसको एच आर लिख लेते हैं ना। और ये क्या होगी भैया, एपरेंट हाइट, एपरेंट हाइट। तो फॉर्मूला कैसे निकालोगे, मैंने कहा था एपरेंट हाइट, जिस मीडियम में रिफ्रेक्टेड रे हो उसका रिफ्रेक्शन इंडेक्स ऊपर लिखना है, तो म्यू टू ऊपर आएगा इस बार भाई, लाइट की रेस में तो जा रही है रिफ्रेक्शन के बाद, तो म्यू टू आपका ऊपर आ जाएगा इसमें, म्यू वन आपका डिवाइड में आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एच आर। अब चूंकि म्यू टू बड़ा है म्यू वन से, जाहिर सी बात है एच ए आपका एच आर से बड़ा आ रहा है, देखो फिगर में बड़ा दिख रहा है। और यहां पर जो नॉर्मल शिफ्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, यह है नॉर्मल शिफ्ट, आप इतना ऊपर उठ गई इमेज वाई, तो नॉर्मल शिफ्ट क्या आ जाएगा भाई, म्यू टू अपॉन में म्यू वन माइनस वन इंटू वाई आ जाएगा इस बार, रियल डेप्थ, सॉरी वाई नहीं एच आर, क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा एच ए माइनस एच आर करोगे ना आप इस बार, वाई इक्वल टू क्या करोगे एच ए माइनस एच आर, एच ए पूरा ये रहा और एच आर ये रहा आपके पास, तो एच ए माइनस एच आर करने पर आपके सामने जो आंसर लिखा मैंने वही तो आ जाएगा, लिख देता हूं पहले एच ए माइनस एच आर ना, वरना आप समझ नहीं पाओगे फॉर्मूला कहां से है। तो वाई इक्वल टू एपरेंट डेप्थ माइनस रियल डेप्थ आएगी इस बार, क्योंकि एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ ज्यादा है, हाइट सॉरी डेप्थ नहीं। एच को रिप्लेस कर दूंगा म्यू टू वाई म्यू वन इंटू एच आर से, माइनस वन कॉमन आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा एच आर कॉमन लेने के बाद, ये म्यू टू वाई म्यू वन माइनस वन इंटू एच आर, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। तो अब ट्रिक समझ गया याद करने की, क्या भाई कि जिस मीडियम में लाइट की रे रिफ्रेक्शन के बाद जाएगी उसको ऊपर लिखना है, जिसमें से इंसिडेंट रे आ रही है वो नीचे लिखना है डिवाइड में, ये निकाल के उसके बाद तो माइनस करके देख लेना, अगर एच ए बढ़ा है तो एच ए में से एच आर माइनस करना है नॉर्मल शिफ्ट के लिए, और अगर एच आर बढ़ा है तो एच आर में से एच ए को माइनस कर देना है नॉर्मल शिफ्ट के लिए। यहाँ पर दोनों आ सकता है, एच आर माइनस एच ए भी आ सकता है और एच ए माइनस एच आर भी आपका आ सकता है। ये दो कंडीशन जो मैंने दोनों आपको बता दी, एपरेंट डेप्थ तो आप समझ गए होगे मेरे हिसाब से, क्लियर होगी बात। तो एक आध दो न्यूमेरिकल हम उनपे देख सकते हैं अपने समझने के लिए, ठीक है भाई। चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया तरह से समझ में आ जाए बाकी, फिर इसके बाद अगली बात पे चलेंगे, लेटरल शिफ्ट पे चलेंगे फिर।
एक न्यूमेरिकल देखते हैं, मैं आपको इसका एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, पर ये क्वेश्चन अच्छा सा है तो आप ध्यान से देखना और समझना इस बात को, ठीक है भाई? आपको एक ही क्वेश्चन में बात समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, ये पानी है, वाटर है, और इसके अंदर जो है आपकी एक फिश है, फिश यहां गई आपकी इस तरह से, ठीक है? ये फिश है और यहां पर आपके पास एक आई है, ठीक है? एक आई है और एक फिश है। आई जो है वो फिश को देख रही है और फिश जो है वो आई को देख रही है, मतलब कोई पर्सन मान लो यहां पे खड़ा हुआ, ठीक है? अब आप ध्यान से देखो और समझो, ये जो है ये आपको दे रखा है h by 2, और ये जो पूरा है ये आपको दे रखी है गहराई h, और जहां पर जो हाइट है i की फ्रॉम द लेवल ऑफ वाटर वो h है, इस तरह से ये पूरा सिस्टम, ठीक है भाई? देखा, यहां पर जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो आपका म्यू है, यहां पर जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो 1 है क्योंकि वो एयर ले रखी है, यहां पर आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपने 1 मान लेना है, ठीक है? दिया नहीं तो एयर है तो 1 मान लेंगे। इसका जो वाटर है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दिया हुआ है, यहां एयर दिया इसका मतलब 1 है, क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया आपको 1 रखना है, ठीक है? अब आपको फाइंड क्या करना है पहले ये देखो, तो पहला जो फाइंड करना है एट वाट डिस्टेंसेस फ्रॉम At what distance is from itself will the fish see the images of eye? The fish see the images of eye. इसकी इमेज, ये फिश जो यहां पर एक मिरर भी है आपके पास नीचे, यहां पर क्या है प्लेन मिरर है इस जगह पे, ये बताना मैं भूल गया, ये नीचे क्या है भैया प्लेन मिरर भी है आपके पास, यहां पर एक प्लेन मिरर भी लगा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस जगह पे प्लेन मिरर है मतलब ये इस आई को इसके अंदर भी दिखता है और इसके ऊपर भी दिखता है, ऐसे ही इस आई को डायरेक्ट भी फिश दिखती है और ये इस फिश की इमेज भी दिखती है इस आई को इसके अंदर भी, मिरर के अंदर भी, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो है सेकंड देखना, अब उल्टा है, एट व्हाट डिस्टेंस इज फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई See the images of fish. दोनों, एक बार फिश देखती है आई को और एक बार आई देखती है फिश को, क्लियर हो गए भाई? ये दो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें हमको चार बार करनी पड़ेंगी चीजें, क्या करनी पड़ेगी आप ध्यान से सुनो और समझो पहले पूरी बात। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फिश है वो अपने से कितनी दूरी पर इमेजेस देखती है इस आई की, देखो इसको कहां का इमेज दिखाई देगी फिश को, एक बार तो फिश सीधे आई को देखी डायरेक्ट तब उसको आई दिखाई देगी, और ये फिश जो है अगर मिरर के अंदर देखे तब भी तो इस आई को मिरर के अंदर देख लेगी, तो इस फिश के लिए दो इमेज बनेंगी आई की, एक तो डायरेक्ट देखती है अगर ये आई को तब, और एक अगर फिश मिरर में देखती है आई को तब। ऐसे ही अगर आई डायरेक्ट देखती है फिश को तो उसको एक जगह दिखाई देगी फिश, मतलब एक इमेज, और अगर ये आई इस मिरर में देखे इसी फिश को तब भी इसको दिखाई देगी, तो इसको दो इमेजेस दिखती है इसकी, एक डायरेक्ट और एक मिरर के अंदर। ऐसे फिश को आई की दो इमेजेस दिखती है, एक तो डायरेक्ट और एक मिरर के अंदर, एक तो डायरेक्ट और एक मिरर के अंदर, क्लियर होगी भाई बात? चलिए बहुत अच्छी बात है, अब देखते हैं तो क्या कहानी बनेगी। तो पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट, फिश के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में भाई? फिश के बारे में, चलिए देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट, इमेजेस ऑफ आई
सीन बाय फिश। तो आई को देख रही है फिश, ये कोई पर्सन है ऐसे इमेजिन कर लो, ये फिश इसको देख रही है, जो भी चीज है यहां पर इसको देख रही है। जब फिश देखती है तो इंसिडेंट लाइट के इधर से आती है, आपको बात ध्यान रखनी है भाई। फिश देख रही है मतलब इंसिडेंट लाइट के जैसे ऑब्जेक्ट से निकलेंगी ऐसे आएंगी इंसिडेंट लाइट की रेस और इसमें जाएंगी, ऐसे तो आएंगी। अगर इसको देखना है तो लाइट की रेस इस आंख से आएंगी इसके पास, ये होगी डायरेक्शन, और एक फिर ऐसे आएगी फिर वापस जाती है। तो नंबर ए, व्हेन फिश सी डायरेक्टली सी आई डायरेक्टली, है ना पहली कंडीशन। अगर फिश को देखना है आई को तो आप इस साथ में बना लेना, आप समझ रहे इस बात को, ये इंसिडेंट रे है मतलब इसको ये कहां दिखाई देगी, थोड़ी सी और ऊपर दिखाई देगी, जाहिर सी बात है। तो अगर हम अपेरेंट हाइट की बात करें, जहां कहीं दिखाई देती है आपको ये आपकी रियल हाइट तो एच के बराबर है, रियल डेप्थ या रियल हाइट जो भी कहते हो किसके बराबर है, एच के बराबर है। ये अपेरेंट हाइट अपने को निकालनी है। तो लाइट रे जा किस में रही है, म्यू में जा रही है, आ किस में से रही है, वन में से आ रही है, मल्टीप्लाई रियल है, तो क्या हो जाएगा भैया एच, तो एच ए क्या हो जाएगा म्यू इंटू एच। अगर खुद से डिस्टेंस देखें इसकी, आई वन मान लेते हैं पूरी ए, यहां बनी आपकी जो इमेज बनी इस आई की, जहां मैंने पॉइंट बना दिया है, ठीक है भाई, ज्यादा ऊपर चला गया पॉइंट कोई बात नहीं, आप ये मान लो, थोड़ा एक नीचे कर देता हूं मैं, ठीक है हल्का सा, क्योंकि ऊपर जगह नहीं बच रही है। इस तरह से अब जो यहां कहीं मान लीजिए आपकी जो इमेज बन रही है वो यहां कहीं बन रही है इस आई की, थोड़ा ऊपर बनती है आपको बताए, तो एच ए क्या हो गया आपका अपेरेंट डेप्थ हो गया, एच ए क्या हो गया भैया अपेरेंट डेप्थ जो आई को दिखेगा। अब देखिए यहां से कितनी दिखेगी हाइट, फ्रॉम आई से देखें तो एच बाई टू तो ये और प्लस म्यू इंटू एच, आई वन क्या हो जाएगा एच ए प्लस एच बाई टू, इस जगह से देखो आप ध्यान से जहां तक की डिस्टेंस, इतनी तो एच ए है और प्लस ये एच बाई टू, आधी एच बाई टू तो रहेगी नीचे वाली आधी एच बाई टू है, तो एच ए क्या आई आपकी म्यू इंटू एच प्लस एच बाई टू, तो अगर यहां से आप एच कॉमन लेते हो तो आ जाएगा म्यू प्लस वन बाई टू, म्यू प्लस वन बाई टू पहला आंसर ये आ गया आई वन। ये इमेज आई वन की जो है आपकी कहां पर बन रही है, फ्रॉम इट सेल्फ, जब आप डायरेक्ट देखते हो, जब फिश डायरेक्ट देखती है इस आई को तो आई से आने वाली रेस जब फिश की आंख तक पहुंचेंगी तो ये आई इसको और ऊपर दिखती है, तो ऐसी तिरछी लाइट की रेस आएगी, वो हल्का सा मुड़ती है फिर पीछे आती है, ऐसे बता सकता मैं आपको, ठीक है। अब देखते हैं नंबर बी पार्ट इसका, क्या देखते हैं भाई नंबर बी पार्ट, इसको मिटा तो इसकी जरूरत नहीं है, नंबर बी पार्ट की बात कर लेते हैं। पहला हो गया, अब नंबर बी पार्ट देखिए, अभी फर्स्ट चल रहा है, व्हेन फिश सी द इमेज ऑफ आई इन मिरर, ये दूसरा केस है, ठीक है। तो फिर वही बात, मेरी बात ध्यान सुनो भाई, ये जो फिश है इसकी इमेज को इस मिरर के अंदर देखना चाहती है, तो पहले आप ये देखो मिरर के लिए इस आई की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जो मिरर है उसके लिए आई की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। तो भाई मिरर के लिए वही कहानी बनेगी, मिरर के लिए जो ये ऑब्जेक्ट है यहां पर थोड़ी है, थोड़ा सा और ऊपर है, अगर इससे लाइट की रेज आती है तो मिरर पर जो लाइट की रेज आएंगी वो इससे नहीं आएंगी, थोड़ी सी इसकी इमेज से आएंगी, ऊपर से तो आएंगी, ये जो लाइट की रेज थोड़ी पहुंच रही डायरेक्ट तिरछी लाइट की रेज आएगी, तो हल्का सा बेंड होगी तो इसके पास आएगी, तो मिरर क्या लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, जहां पर इसकी इमेज बनती है वहां पर है, तो भैया इसकी इमेज तो फिर वही बनेगी,
ये इमेज अगर इसमें मिरर में दिखती है तो आप ध्यान से देखो, जितनी दूर इमेज ऑब्जेक्ट होती है मिरर के लिए, देखिए इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इसकी लाइट की रेज मिरर में पहुंचेंगी नहीं भाई, इसकी लाइट की रेज मिरर में नहीं पहुंचेंगी, तो मिरर में जो लाइट की रेज पहुंचेंगी वो इसके लिए होंगी। ये हो गई मिरर के लिए ऑब्जेक्ट। आई वन एक्स एज एन ऑब्जेक्ट, और मिरर क्यों? क्योंकि मिरर में जो इंसिडेंट रे आएंगी वो इससे आ ही नहीं सकती, इससे लाइट की रे जो आएगी वो डायरेक्ट पहुंचेगी नहीं, उसका तो रिफ्रेक्शन होगा, और रिफ्रेक्शन के बाद जो इसके पास आएंगी ये इसको लगेगी इंसिडेंट रे है वो, भाई इसके तो वो इंसिडेंट है ना, फिर दोबारा रिफ्लेक्शन होगा वो इमेज बनाएगी दोबारा इसकी, ये समझे बात। तो आई वन जो है इसके लिए करती है ऑब्जेक्ट का काम, और जो ये इमेज बनाती है एच तो आप निकाल चुके, एच बदलेगा नहीं, एच तो वही रहेगा, और जो इसकी इमेज बनेगी एग्जैक्टली नीचे बनेगी सेम डिस्टेंस पर, कहां यहां पर बनेगी इस जगह पे, ये हो जाएगा आपके पास I2 एंड इट फॉर्म्स एन इमेज I2। ठीक, इमेज I2 बनेगी इसके बाद, अच्छी बात है, देखते हैं क्या बनेगी। डिस्टेंस ऑफ आई टू फ्रॉम मिरर कितनी होगी, तो डिस्टेंस ऑफ आई टू फ्रॉम मिरर देखा जाए, ठीक, तो वो कितनी आएगी भाई, वो आपकी आ जाएगी, देखो ध्यान से मिरर से, एच प्लस एच ए, जितना ऊपर होती है ऑब्जेक्ट उतनी नीचे बनती है उसकी इमेज, कितना हो जाएगा भैया h प्लस एच ए, और एच ए आप निकाल चुके, पीछे वाले रहेगा एच ए बदलेगा नहीं, वो तो वही रहेगा ना यार, जो अभी भी इंसिडेंट रही है इस पानी के लिए, जो इसकी शिफ्ट होगी वो तो इस पे डिपेंड करती है, इसके बाद इमेज बनाएगा ये मिरर यहां पर, वो एच प्लस एच ए पर जाकर बनेगी इमेज। हेंस डिस्टेंस ऑफ आई टू फ्रॉम फेस, तो फिर से कितनी डिस्टेंस आएगी वो देख लो आप जरा, ये h by 2 और प्लस दिस, तो h by 2 प्लस h प्लस h a, और भैया जो आपका h a निकला है ना, h a आपका निकला था, मैंने कहा था लाइट जिसमें जाती है उसको ऊपर लिखते हैं, डिवाइड में जिसमें से आ रही है उसको नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं रियल, तो रियल कितनी थी इसकी, h थी, एच तो आपने निकाला था, तो एच तो आपका वही रहेगा म्यू टू कैपिटल एच, जिसमें लाइट की रे जाती है वो ऊपर, जिसमें से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, तो वो तो बनी था एयर का, तो बन था ना, तो म्यू टू एच आ गया, तो आपके पास ही क्या जाएगा इसका आंसर, एच को अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो म्यू प्लस वन, और यहां से भी कॉमन लेते हैं पूरा एच, तो 1 बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू प्लस म्यू बचेगा, ये हो जाएगी आपकी दूसरी इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम आई, 3 बाई टू प्लस म्यू आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर, अब हम बात करते हैं नंबर सेकेंड पार्ट की, इतनी बात समझ आ गई, अब नंबर सेकेंड पार्ट की बात कर लीजिए, इमेजेज ऑफ फिश सीन बाई आई, अब आई देखेगी किसको, फिश को, तो वह भी भाई दो बातें बनेगी, एक डायरेक्ट देखेगी तब, और जब एक मिरर के अंदर देखेगी तब, दो बातें होंगी इस बार पे, नंबर सेकेंड केस, वेन images of eye, images of fish seen by eye,
ऐसे करें, ठीक है। अब इसमें नंबर फर्स्ट पार्ट जो होगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक बार मिरर में, एक बार तो डायरेक्ट देखेंगे सीधे इसको, अब उल्टा होगा, अब लाइट किरे क्या होंगी भाई, आई से निकल सॉरी फिक्स से निकलकर आई तक पहुंचेंगी। अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, हल्का सा, ये तो अपने को चाहिए नहीं, इस बार यहां पर नहीं बनेगी इमेज, अब उल्टा होगा, अब क्या होगा, लाइट की रेज यहां से निकलेंगी और इसमें जाएंगी, है ना, उल्टा होगा ना, इस बार इससे निकलेंगी और इसमें जाएंगी, तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखेगी हमको, जहां है उससे थोड़ा ऊपर दिखेगी, ऐसे तो होता है डेंसर से रेयर में जाने पर ये उठती है ऊपर की ओर और वो और ऊपर उठ जाती है ना। तो यहां पर जो एपरेंट डेप्थ आएगी तो DA लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भैया DA, आपको यहां कहीं दिखेगी इसकी इमेज आई, फिस यहां कहीं दिख रही, मान लीजिए इस जगह दिख रही है, तो ये हो गया आपके पास क्या DA, और ये क्या था रियल डेप्थ जो कि था आपका H बाई टू के इक्वल, ये इमेज मान लीजिए यहां पे मैंने एक सर्कल कर दिया, ये मान लीजिए आपकी इमेज बन रही है इस जगह पे, ठीक है, और इंसिडेंट लाइट की ये है इस बार खुद जो निकल रही है, तो अब की बात इसको ऊपर लिखना है आपको, जिसमें लाइट की जाती है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसमें से आती है उसको नीचे लिखते हैं ऐसा, और मल्टीप्लाई रियल डेप्थ क्या भैया एच बाई टू, ये तो हो जाएगा फ्रॉम आई, इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आई वन सॉरी इमेज आई वन, तो आई वन इसे कहां दिख रही है वो देखो, डिस्टेंस ऑफ आई वन है ना, डिस्टेंस ऑफ आई वन फ्रॉम आई, देखिए आई से कितनी है, ये तो आपके पास आ गई और ये, और ये तो एस थी ना, तो इसको मान लेते हैं पहला आंसर, ये आपके पास क्या आ जाएगा पहला आंसर जो आएगा एच प्लस डी ए, तो एच प्लस वन बाई म्यू इंटू एच बाई टू, यही तो आ जाएगा जो लिखा है मैंने, है ना, तो क्या देगा आपके पास आंसर, इन दोनों में से h कॉमन ले लो आप, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू म्यू, ये पहला आंसर तो ये आ गया आपके पास, इसको आप मान सकते हो चाहो तो अपने हिसाब से d1, ये तो d1 आपका निकल आया, d1 आपका निकल आया, क्लियर की बात। अब ऐसे ही इसकी जो इमेज बन रही है मिरर के अंदर उसे कहां देखेगी आई, भाई जो इसकी इमेज बन रही है मिरर के अंदर उसे कहां देखेगी आई, वो भी देखो एक बार आप, है ना। अब नंबर सेकेंड पेज देखो, इसको डालो, अच्छा सॉरी इसको डाल देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, तो पहला केस समझ आ गया। अब इस मिरर को मैं चेंज कर रहा हूं क्योंकि अब हमें डीए की जरूरत नहीं पड़ेगी, हटा दो उसको, अब देखिए क्या होगा, नंबर बी पार्ट देखो आप, इसको नोट कर लिया तो इसको मैं डालता हूं, नंबर बी पार्ट में क्या होगा, When I see the image of fish in mirror, number second is B. When I see the image of fish in mirror. अब आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी इमेज देखता हूं, ये मिरर जो इमेज बनाएगा वो यहीं कहीं तो बनाएगा, कितनी दूरी पे, सेम डिस्टेंस पे बनाता है मिरर, तो जो मिरर में इमेज बन रही होगी किसकी, फिश की, वो तो ये होगी, h बाई टू, है ना। अब इस रियल फिश को भूल जाओ, केवल इसको देखना है, इस आई को, आई को जी आंख भी दिखेगी, थोड़ा सा ऊपर दिखेगी ना, पानी आ गया ना बीच में, इसको हटा दो,
अब जो रियल डेप्थ है इसकी, तो एच प्लस एच बाई टू तो हो जाएगी रियल डेप्थ, ये नहीं दिखेगी आई को ना, ये सीधे आई इसको भाई, इसकी तो इमेज मिरर ने बनाई है, पर जो आई को दिखेगी थोड़ा सा ऊपर दिखेगी ना, ये यहां कहीं दिखेगी आई को दिखेगी, वो ये कहीं होगी ऐसे हल्का सा ऊपर, जिसका नाम हम रख लेते हैं आई टू। क्या रख लेते हैं भैया? आई टू। अब जो एपरेंट डेप्थ रहेगी वो ये रहेगी इतनी, इसको बोलेंगे हम एपरेंट डेप्थ। तो ये तो हो गया आपके पास रियल डेप्थ, और ये हो गया आपके पास एपरेंट डेप्थ। ये फिर जो यहां की दिखाई देगी, अब ये बताइए ना, यहाँ एयर है, एयर थोड़ी है भाई, मिरर के अंदर दिख रहा है, मिरर के अंदर कुछ थोड़ी होता है, तो वाटर रहेगा मिरर के अंदर भी, वाटर दिखेगा, तो मिरर के अंदर वाली बात है, यहाँ कोई एयर नहीं है इस जगह पे, कि मिरर के पीछे, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर का मतलब वर्चुअल इमेज, इसको इसे देखना है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी यहाँ कहीं, इस जो रियल फेस थी उसकी इमेज यहां बनाई मिरर ने, पर ये इसको दिखाई नहीं देती, इससे निकलने वाली रेज यहां पर रिफ्लेक्ट होंगी, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, इस जगह आकर दिखाई देगी हमको जो ये है। तो डीए किस बात, डीए कैसे निकालेंगे इस बार फिर, तो डीए बराबर क्या आएगा भैया, यहां से राइट की रेज निकलेंगे ना इस जगह से और वहां तक पहुंचेंगी, तो राइट की रेज एक्चुअल में यहां से आ रही है इस जगह से, इस वाली फेस से, ऐसे रिफ्रैक्शन के बाद हल्का सा बेंड होंगी तो इसके पास से आएंगी, मतलब आई को ऐसा लगता है कि ये राइट की रेज इससे निकल कर आ रही है, जबकि निकल इससे रही होंगी, जा इसमें रही है तो वन ऊपर अपॉन में इनटू म्यू मल्टीप्लाई रियल डेप्थ। अब रियल डेप्थ क्या है? एच प्लस एच बाई टू है इस बार रियल डेप्थ। अरे रियल डेप्थ क्या भैया? एच प्लस एच बाई टू तो है, तो ये आपका हो गया थ्री एच बाई टू इंटू म्यू, ये आ गया आपका एपरेंट डेप्थ। अब अगर फ्रॉम द आई देखा जाए तो डिस्टेंस कहां पर है आई टू की? इतना तो एच था ना, डिस्टेंस ऑफ आई टू फ्रॉम आई, तो फ्रॉम आई देखो आप कितना हो जाएगा, डी ए प्लस एच, इसको मान लेते हैं पूरे को डी टू। आप लोग अलग अलग इमेज बना के इसको करना, मैं एक ही फिगर में बना दी सारी चीजें, आप अलग अलग इमेज बनाना चार बार, तभी आपको बात समझ में आएगी, नहीं भूल जाओगे। डी ए प्लस एच, तो भैया डीए कितना है? थ्री एच बाई टू म्यू प्लस एच, अगर मैं एच कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा भैया? थ्री अपॉन में टू इंटू म्यू प्लस वन, ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया भैया आपका आंसर? तो इस तरह से मैंने चारों जो इमेजेस थी उनके आंसर आपको बता दिए, क्लियर हो गई बात? तो ये था इस तरह से क्वेश्चन आपको समझने थे, क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है क्या है ये फॉर्मूला, ठीक है भाई? अब मान लीजिए आपके पास कई यहां पर क्या है, सरफेसेस हैं और अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस हैं उनके, ठीक है? इस तरह से मान लीजिए बहुत सारे हैं आपके, ध्यान से देखो, अगर आपको एक से ज्यादा मीडियम दे रखे हो तब आप कैसे करोगे? मान लीजिए आपकी जो ऑब्जेक्टिव यहां रखी है, इसके ऊपर एक मीडियम है, इसके ऊपर फिर एक और मीडियम है, फिर इसके ऊपर एक और मीडियम, और इस तरह से और भी बहुत सारे मीडियम है, लास्ट में जो आपके पास है वो म्यू नॉट है, इसको मान लो म्यू वन, इसको मान लो म्यू टू, इसको मान लो म्यू थ्री, इसको मान लिया म्यू फोर, और लास्ट में जो जहां से आप ऑब्जर्व करोगे ऑब्जेक्ट को वो मान लीजिए आपका म्यू नॉट है। क्या है? म्यू नॉट। अब यहां से देखोगे इस जगह से आपको देखना है, कहां से? ऊपर से म्यू नॉट से आप ऑब्जर्व करोगे, आपको ध्यान रखना है। ये जो दे रखा है आपको एपरेंट रियल डेप्थ है डी वन, इसकी जो है वो डी टू है, फिर यहां से आपको जो दे रखा है वो डी थ्री दे रखा है, फिर यहां से जो आपको दे रखा है वो डी फोर दे रखा है, इस तरह से
ये है आपके पास, और फाइनली वहां पर ये रखिए आपके ऑब्जेक्ट। तो आपको इसकी इमेज कहां पर दिखाई देगी, मतलब इससे जो आपको ये कहीं पता नहीं कहां दिखाई देगी, मान लेते हैं जहां भी दिखाई, थोड़ा सा ऊपर उठ के दिखाई देगी इस जगह पे, ये मान लेते हैं इसकी इमेज है। ये जरूरी नहीं कि आपकी यहां हो सकती, यहां बने, यहां बने, पता नहीं कहां बनेगी, मुझे नहीं पता, पर कहीं तो बनेगी। तो इसको इस सर्फेस से, फाइनल सर्फेस से हम मानेंगे इसको ये अपरेंट डेप्थ है आपकी, ठीक है भाई, ये आपकी क्या होगी अपरेंट डेप्थ। अब इसके लिए फॉर्मूला कैसे निकालूंगा वो देखो आप, अब देखिए कैसे बनेगी। अब इसमें क्या होगा, जो आप इसके लिए फॉर्मूला किस तरह से आप बनाते हो वो देखो, अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला जहां से आप देख रहे हो उसको हमेशा ऊपर लिखना है, क्योंकि उसमें लाइट की रेस जाएंगी। अब अगर हम लाइट की रेस को देखें तो किस तरह से लाइट की रेस होंगी यहां पर वो देखो जरा आप ध्यान से, पहले इसको हटा देता हूं मैं यहां से, साइड में लिख दूंगा डीए को, तो मुझे लाइट की रेस भी बनानी है इसमें, तो लाइट की रेज आप देख रहे हैं कहां से कहां जा रही है, पहले उनको ऑब्जर्व करो आप। अगर अकेला ये मीडियम होता और इसमें से देखा जा रहा होता तो ये पहले ऊपर उठाता, फिर अकेला ये मीडियम भी ऊपर उठाएगा, फिर अकेला ये मीडियम भी ऊपर उठाएगा, फिर अकेला ये मीडियम भी ऊपर उठाएगा। इन सब की वजह से इमेज थोड़ा ज्यादा ऊपर उठेगी इस बार अकेले के कंपेरिजन में। जो आपकी अपेरेंट डेप्थ है उसको मैं यहां लिख देता हूं इस जगह पर, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा इस लास्ट वाली सर्फेस से नापी जाती है, आई से नहीं, लास्ट वाली सर्फेस से नापते हैं अपेरेंट डेप्थ को, आप ध्यान रखना हमेशा, आई से नहीं नापते हैं। तो कहीं से भी आप देखो यहां भी है यहां भी, फर्क नहीं पड़ता, इस वाली सर्फेस से नापनी है आपको अपेरेंट डेप्थ हमेशा, आई से नहीं नापनी। फ्रॉम फाइनल सर्फेस लिख रहा हूं मैं, नॉट फ्रॉम आई, ठीक है, ऑब्जर्वर से नहीं, फाइनल सर्फेस से होती है अपेरेंट डेप्थ। आप कहीं से भी देखो, चाहे यहां से देखो, चाहे यहां से देखो, चाहे यहां से देखो, इससे निकल रही है डिस्टेंस है, तो उससे फिर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है इसमें, तो जितना ऊपर से आप देख रहे हो। तो इसमें कैसे करते हैं वो आप ध्यान से देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अकेले अकेले को ऑब्जर्व करो आप। देखो सबसे पहले लाइट की रेस जाएंगी कैसे, तो लाइट की रेस जो है आपकी वो इस तरह से ऑब्जेक्ट से निकलती है और फाइनली कहां पहुंचती है, इस जगह पर पहुंचती है, सीधी ऐसे निकल लेते 90 पे 90 पे 90 पे 90, कोई चेंज नहीं आएगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये सब 90 पे जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना इंसिडेंट रेस जैसे चल रही है और ये जहां से आप ऑब्जर्व करते हो वो है रिफ्रैक्टेड रे, इस तरह से मानो दिमाग में फाइनल वाली। तो अगर इससे ऑब्जर्व करो मैं इस वाले मीडियम को, तो कैसे, जिसमें से आ रही है उसको नीचे लिखते हैं, जिसमें फाइनली जाएंगे उसको ऊपर लिखना है, फाइनल वाले को लिखना है, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको लिखना है जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको ऊपर लिखना, ध्यान रखना। डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, मल्टीप्लाई डी वन प्लस ये कितना उठाएगा, इसके लिए देखो इससे फिर इसमें जा रही है, आप ऐसे मानो दिमाग में, इससे ये ना होते अगर दोनों, इससे निकलने वाली रेस यहां जाती है इस जगह पे, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको ऊपर लिखो, मल्टीप्लाई म्यू टू आ जाएगा आपके पास डी टू मल्टीप्लाई में, सिमिलरली म्यू नॉट अपॉन में म्यू थ्री मल्टीप्लाई डी थ्री, सिमिलरली म्यू नॉट अपॉन में म्यू फोर मल्टीप्लाई डी फोर, और अगर होंगे तो एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा ये। लास्ट वाले को हमेशा आपको ऊपर लिखना है, जिसमें फाइनली रेस गई है, जो जिसमें फाइनल रेस आ रही है उसको ऊपर लिखना है, फिर एक एक करके इनको नीचे लिखते जाना है, मल्टीप्लाई की डिस्टेंस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा वाले केसेस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसकी अपेरेंट डेप्थ, इसकी अपेरेंट डेप्थ, इसकी वजह से अपेरेंट डेप्थ, इनकी वजह से अपेरेंट डेप्थ, सबको ऐड करके जो आंसर आएगा वो रियल जो नेट अपेरेंट डेप्थ है आपकी वो आ जाएगी, नेट अपेरेंट डेप्थ ये रहेगी। ऐसे ही जो आपका नेट नॉर्मल शिफ्ट आएगा वो आप निकाल सकते हो उस समय, तो यहां पर आपकी इमेज मानी थी मैंने, ये जो इमेज बन रही है ये जो डिस्टेंस आएगी इसको बोल देंगे वाई, अरे इसे क्या बोल देंगे भाई, वाई बोल देंगे हम, हमें क्या बोलेंगे वाई, ये डिस्टेंस आएगी आपकी वाई रहेगी, ठीक है। तो डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री प्लस डी फोर सभी सभी में से माइनस करना पड़ेगा आपको इनको, तो आपको जो आंसर आएगा फाइनल वो क्या जाएगा वो देखो, नॉर्मल शिफ्ट, डायरेक्ट नॉर्मल लिख रहा हूं उसमें, तो नॉर्मल शिफ्ट वाई जो आएगा आपका वही आ जाएगा वन माइनस म्यू नॉट बाई म्यू वन इंटू डी वन प्लस 1 माइनस बाई म्यू नॉट अपॉन म्यू टू इंटू डी टू प्लस 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू थ्री इंटू डी थ्री एंड सो ऑन, आगे भी इस तरह से करना है आपको। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कैसे करना है आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो आप तो आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे, क्या
बताना चाह रहा था मैं आपको इसमें, वो देखो आप ध्यान से। जरा ध्यान से देखो इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा। मान लीजिए आपके पास ये यहां पे रखी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखी है जहां मैंने बना दी वहां पर। ये तो आपका 20 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ऊपर वाली जो डिस्टेंस है आपकी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। म्यू यहां पर जो दे रखा है वो आपका 2 है, यहां पर दे रखा है वो 1.5 है, और जो यहां पर दे रखा है जहां पर आई है आपकी, ये आपको दे रखा है 1.8 ऊपर वाला म्यू। क्लियर होगी भाई, इतनी बात है, ये ऑब्जर्वर है जो देख रहा है। तो आपको बताना है फाइंड एपरेंट डेप्थ एंड ये फर्स्ट सरफेस है, ठीक है भैया, ध्यान रखना आप। सेकेंड सरफेस नॉर्मल शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस से बता रहा है, ठीक है। आपको यहां से बतानी है आपको कहां पर बन रही है इमेज और कितना ऊपर उठ गई है, वो भी आपको बताना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे इसका। मैंने कहा था आपको जो एपरेंट डेप्थ, मान लीजिए जो आपकी इमेज बन रही है वो यहां की बन रही है, ये आपकी इमेज है, तो इसकी डेप्थ को हम मान लेते हैं डीए। क्या मान लेते हैं भाई, डीए आपके ऑब्जेक्ट थी, ये आपकी इमेज बनी है। इमेज को मैं रेड से बना देता हूं, ठीक है भाई, ये आपकी इमेज है और ये थी आपकी ऑब्जेक्ट जो नीचे थी इस तरह से, ठीक है। देखें कैसे, तो फॉर्मुला मैंने क्या बताया, डायरेक्ट फॉर्मुला आपको यहाँ पे लगाना है। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मुला किस तरह से रहोगे आप, जहां से ऑब्जर्वर है उसको ऊपर लिखते हैं, क्योंकि लाइट रेज यहां से निकलेगी और उसमें जाएगी। तो पहले इसको लिखेंगे ऊपर 1.8 डिवाइड में इसके वाला अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई इसकी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर में आंसर निकालूंगा मैं। फिर इसको ऊपर लिखना है, फिर ये वाला 1.5 और मल्टीप्लाई 15। क्लियर होगी बात, इस तरह से ये आ गया आपकी अपरेंट डेप्थ। कितना आ जाएगा भाई, ये तो आ गया 18 प्लस यहां पर देखें ये भी आपका 18 आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। मतलब हमें ये और नीचे दिखाई दे रही है जो मैंने ऊपर बना दी है, ये एक्चुअल में कहां है, और नीचे भी आपका 1.8 जो है 1.5 से बड़ा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये डेंसर है, ये रेयर है, फिर डेंसर है, इस तरह से यहां पर चेंज कर देगा, ये पूरी तरह से रेयर नहीं है। जो आपका आंसर आएगा वही लिखना है आपको, मतलब जो मैंने इमेज बनाई वो सही नहीं बनेगी। इमेज कहां बनेगी, थोड़ी सी और नीचे बनेगी, 20 और 15 35 है ना, जबकि आंसर क्या है 36, मतलब इमेज यहां कहीं बन रही है आपकी इस जगह। आपको पहले थोड़ी मालूम चलेगा, वो तो आप बनाओगे बाद में तभी आपको पता चलेगा आपकी इमेज एक्चुअल में बन कहां रही है। सॉल्व करें ना उसके बाद, ये इमेज है आपकी, ये है इस जगह बन रही है आपकी जो फाइनल इमेज है, इस जगह से आपको यहां पर दिखाई देगी 36 सेंटीमीटर पर आपको दिखाई देगी। अब इसकी जो नॉर्मल शिफ्ट है वो कितनी है, ये तो डिस्टेंस आएगी नॉर्मल शिफ्ट दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको वाई बोलते हैं हम। तो देखिए बड़ा कौन है इसमें, आई वाला बड़ा है ना, डीए बड़ा है, तो डीए माइनस जीआर कर देना, तो डीए कितना है 36 और डीआर कितना है 35। इस सर्फ से देखो 35 पे है ऑब्जेक्ट, 36 पे इमेज, की 1 सेंटीमीटर आ गया इस तरह से। जो आपका देखो फॉर्मूला आपको वही रखना है जो मैंने आपको समझाया है, आपका आंसर कुछ भी है उससे घबराने की जरूरत नहीं। जो फॉर्मूला जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको हमेशा ऊपर लिखना है, फिर एक एक करके इनका लिखना है नीचे डिवाइड में, मल्टीप्लाई इनकी डिस्टेंस लिखनी है आपको। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला रहेगा जो मैंने आपको अभी बता दिया। अरे क्लियर होगी बात, ये है भाई तरीका इसका सॉल्व करने का। तो एपरेंट डेप्थ वाला केस तो आप समझ गए होंगे, एपरेंट डेप्थ हम किस तरह से करते हैं, ऐसे हम लेटरल शिफ्ट भी कर पड़ेंगे,
बीच में एक हम ग्लास स्लैब रखेंगे, उससे देखते हैं रिफ्रेक्शन कैसे होगा। तो ये था आपका अपरेंट डेप्थ का पूरा टॉपिक जो आपको समझाना था, मैंने यहाँ पे समझा दिया बढ़िया तरह से, आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी रे ऑप्टिक्स के कुछ और अगले टॉपिक्स के साथ, रिफ्रेक्शन के टॉपिक को भी चलेंगे कुछ दिन, तो उन्हीं के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।